उसकी शॉपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आई होप इट्स नॉट दैट बैड। विजिट आवर फर्स्ट पंडाल। हर साल की कंप्लेन है जब जब मैं साड़ी पहनती हूँ। आज शाम के लिए मैं तैयार हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज है अष्टमी, है ना? सप्तमी। आज है सप्तमी और आज हम जा रहे हैं, थोड़ी सी मेरी नेल्स फिक्स करूंगी मैं और फिर विल गो एंड शॉप अ लिटिल बिट फॉर अरिंदम। उसकी शॉपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, सो दैट विल डू। सो प्लीज कम अलॉन्ग और फिर देखते हैं कि क्या क्या करते हैं पूरे दिन। Finally, we have reached the nail salon and we were waiting for our turn for the nail artist to reach the salon. क्योंकि नवरात्रि का टाइम था, सब कुछ बंद रहता है, जल्दी बंद हो जाता है because everybody goes out for गरबा. So finally, she arrived and the procedure started. It's quite a lengthy procedure. बहुत patiently बैठना पड़ता है. आपके नाखून के ऊपर काम होता है, अलग अलग वेपन से ड्रिलिंग होती है, फिर फाइलिंग होती है। अभी तो इलेक्ट्रिक आ गई है, फाइलर वगैरह, तो इजी हो जाता है, लेकिन बैठना पड़ता है। एंड फाइनली मेरा सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मुझे बस फिलिंग ही कराना था, उसमें भी 2 घंटे लग गए। फाइनली द नेल्स आर रेडी। अभी वो साफ कर रही है एंड देन आई गेट टू चूज़ अ कलर। सो एम थिंकिंग फेस्टिविटीज़ है तो मैं थोड़ी सी ब्राइट कलर चूज़ करूँ। रेड तो हमेशा लगाते ही रहती हूँ, सो आई फाइनली चोज़ अ ब्राइट पिंक कलर। थोड़ी सी नियॉन है तो यही मैंने चूज़ करी। ये देखिए मेरे नेल एक्सटेंशंस हो गए रेडी। दिस इज़ द कलर आई चोज। आई होप इट्स नॉट दैट बैड। यू नो अभी इतना देर हो जाता है, हम आए थे यहाँ पे 12:30 बजे और अभी टाइम है 2 बज रहा है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो अभी हम जाएंगे ओल्डू का, आज ग्रूमिंग भी है, दे स्पा फॉर ओल्डू, उसको छोड़कर देन विल गो आउट हैव लंच। उसके बाद नम के लिए कुछ लेंगे और फिर अब जाएंगे क्या कहीं पे? कहाँ जाएंगे? तो फिर हम निकलेंगे। सो चलिए कम अलॉन्ग, अभी ओल्डो को छोड़ देती हूँ, उसका अपॉइंटमेंट इज अराउंड 2:30। अभी हम जा रहे हैं फॉर ओल्डोज स्पा। तो ये होती है मेरी हालत व्हेन शी इज इन द कार। बालों से बालों की ढेर और मेरी सीट हो जाती है बैक सीट की। ये होती है ना, तभी उसका कोई स्पेसिफिक एक जगह नहीं होता है बैठने के लिए, वो कहीं पे भी बैठती है। We have come to KFC to eat some food. फिर मैं देखने लगी कि नवरात्रि का टाइम है, पूरा का पूरा KFC खाली पड़ा हुआ है। There's just one person eating and eventually मैंने फिगर आउट किया कि ये बंदा भी बंगाली था। सो हमने वहाँ पे ऑर्डर किया खाना ढेर सारा एंड देन वी स्टार्टेड ईटिंग। मैंने नोटिस करा हुआ है जब भी हम कहीं पे जाते हैं ना, अगर आपने भी देखा हो, अगर वहाँ पे कुछ केचप वगैरह है खाने में तो अरिंदम ऑलवेज मेरा केचप खोल के देता है। और अगर स्ट्रॉ हो, अगर मैं स्टारबक्स या फिर कहीं पे भी गई, सो ही विल ऑलवेज रिप द पैकेट ऑफ फ्रॉम द स्ट्रॉ और वो डाल के फिर रेडी करके मुझे देता है, विच इज़ सो स्वीट ऑफ हिम। दैट्स माई स्वीटेस्ट हस्बैंड। ये मैंने फोर्सफुली उसे पिंक कलर की टी शर्ट पहनाई। जनरली ही डजंट लाइक इट पिंक, बट देन आई लव पिंक ऑन हिम। तो हमारा इधर खाना हो गया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी हेडिंग टू द मॉल। अरिंदम की शॉपिंग कुछ भी नहीं खरीदना हुआ तो फिर हम निकल गए। सैटरडे था, वर्क डे था, लेकिन फिर भी ही टुक द डे ऑफ एंड वी डिसाइडेड टू गो एंड गेट समथिंग फॉर हिम। इधर हम पहुंच गए हैं मॉल में और अभी हम जा रहे हैं। अरिंदम के लिए शॉपिंग करना मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है बिकॉज़ उसे इजीली बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि जनरली जब मैं उसके लिए कुछ भी ऑनलाइन लेकर आती हूँ वो चुपचाप पहन लेता है, बट इफ़ इट्स अ फिज़िकल स्टोर ही हैज़ अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स। सो ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम लोग
देख रहे थे इधर उधर। फाइनली वी फिनिश्ड शॉपिंग, आई चोज समथिंग फॉर हिम, डिड द बिलिंग और फिर हम निकल गए वहाँ से। वी रीच्ड जस्ट डॉग्स और फिर ऑल्डो का भी स्पा कंप्लीट हो चुका था। मॉल पे ही कॉल आ गया था कि शी इज़ रेडी फॉर द पिकअप। फिर हम वहाँ पहुँचे। यहाँ पे ना उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है जब भी वो इधर आती है, तो हमने सोचा कि कुछ ट्रीट्स भी ले ले उसके लिए। दुर्गा पूजा है, हम खा रहे हैं, उसके लिए भी कुछ अच्छा अच्छा ट्रीट्स ले ले। कुछ कुछ ट्रीट्स ख़त्म हो चुके थे और कुछ कुछ फ्रेश हमने नया कुछ मंगवाया। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो उधर स्पा रूम में थी, उधर से निकाल के उसको लेकर आया जा रहा था, बीच में वो रुक गई। शी डिडंट वांट टू मूव बिकॉज शी वाज सो स्केयर्ड, बट फाइनली वो अंदर आई। और इसे इतना ज़्यादा इधर लाड मिलता है क्योंकि इधर वो बचपन से आ रही है, फॉर हर स्पा ग्रूमिंग खाना इधर से ही जाता है इसका। सो सभी लोग इसे पहचानते हैं एंड एवरीबडी एडोर्स हर एंड लव्स हर टू द बिट्स। खेलते भी है, जस्ट वॉच हर प्ले। तो इधर वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है। वी स्पेंड 45 minutes देयर टॉकिंग टू द स्टाफ एंड गेटिंग सम ट्रीट्स फॉर हर। यहाँ पे देखिए एक डॉगी आया था फॉर हर स्पा, वेरी ब्यूटिफुल लिटिल डॉग। देन वी डिसाइडेड टू गेट अ बॉल और एनी थिंग हार्ड दैट शी कैन च्यू ऑन, क्योंकि इसका जो जॉ है वो अभी तक बढ़ नहीं रहा है। सो वी डिड कंसल्ट विद द स्टाफ देयर एंड दे वर लाइक गेट अ हार्ड टॉय सो दैट शी कैन च्यू ऑन और हार्ड ट्रीट्स। तो हमने हार्ड ट्रीट्स भी लिए उसके लिए एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट अ हार्ड बॉल और समथिंग फॉर हर सो दैट शी कैन च्यू ऑन इट। So finally we got that and there was this little baby girl who wanted to pet Aldo and she finally did. आई वॉज अमेज टू सी कि ऑल्डो इतने ज़्यादा पेशेंटली उधर बैठी हुई थी। जनरली वो निप करती है, शी विल जम्प अराउंड और डू समथिंग ऑड विथ अस, बट इस बेबी गर्ल के पास वो एकदम शान से बैठी हुई है, डिड नथिंग एट ऑल। एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड सो हैप्पी कि वो दूसरों के सामने उस तरह से अटपटांग हरकतें नहीं करती है। चलिए घर पर चाहे वो कुछ भी करे। सो उधर से हम निकल के आ गए। वी गॉट अ हार्ड बॉल एंड अ लॉट ऑफ ट्रीट्स फॉर हर। मेरी मुँह ना बहुत अजीब सी बन जाती है जब भी मैं उसे प्यार करने लगती हूँ, पता नहीं, मेरे दांत दे जस्ट कम टुगेदर एंड आई स्टार्ट ग्राइंडिंग माई टीथ। हम घूम के आ गए, शॉपिंग करके भी आ गए और सब कुछ हो गया है। अरिंदम की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। आज है अष्टमी और आज हम गए थे शॉपिंग करने, कैन यू इमेजिन दैट। और आज और नहीं निकलूंगी, बस कल निकलेंगे हम सब, लेट्स सी। और ऑल्डो दुर्गा पूजा है, हम सब नया नया कुछ खरीद रहे हैं, तो ऑल्डो को भी हम स्पा तो उसकी होती ही है, आज उसके लिए एक नया टॉय भी हम लेकर आए, बहुत सारा ट्रीट लेकर आए, दुर्गा पूजा उसके लिए भी है। सो अष्टमी का दिन था एंड आई थॉट कि मुँह में कुछ करते हैं, सो हियर आई गॉट अ टमेटो
और फिर थोड़ी सी उसमें मैंने डाली हनी और इसको अच्छे से मिक्स 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 किया एंड देन फाइनली हमने उसको लगा लिया. दैट रियली गिव्स यू अ ग्लो, अ नाइस हेल्दी ग्लो. मैंने ये जो फेस पैक है ये आई हैव सीन माय मदर अप्लाई इट, फिर मैंने भी शुरू किया. और जब भी कभी आप खाना भी बना रहे हो वो टोमेटो है तो यू कैन जस्ट पुट अ स्लाइस ऑफ टोमेटो ऑन टॉप ऑफ योर फेस. आई एम ऑल ड्रेस्ड एंड अरिंदम इज ड्रेस्ड टू. अभी हम निकल के जा रहे हैं टू विजिट आवर फर्स्ट पंडाल जिसमें हर साल हम जाते हैं, आज भी हम जा रहे हैं. और साड़ी पहन के मैं इतनी ज्यादा फ्रीज हो जाती हूँ, मेरे हर साल की कंप्लेन है जब जब मैं साड़ी पहनती हूँ कि मैं साड़ी पहन के फ्रीज हो जाती हूँ. तो अभी मैं निकल तो रही हूँ सिर्फ दर्शन करके, आई विल गो अहेड एंड चेंज इट. घर पे शूट करना चाहिए था सो यू कुड हैव सीन मी बेटर इन बेटर लाइट्स एंड एवरीथिंग, बट घर पे यू नो ऑल्डो को लेकर और फिर थोड़ी सी झगड़ा भी हो गया था अरिंदम के साथ, सो ऑल्डो की वजह से. एनीवे फिर साड़ी पहनो, फोटोज लो, मॉम को कॉल किया, मेरी सास हुज इन कैनेडा विद मुनमुन, फिर ये सब करके फिर थोड़े से फोटोज लिए, फिर निकली. ये साड़ी मेरी मॉम ने दी है, मेरी माँ ने. दिस इज एन असम सिल्क और ये मैं दूसरी बार पहन रही हूँ, नया नहीं है, दूसरी बार पहन रही हूँ. एंड पता नहीं फॉर सम रीजन दिस कलर इज सूटिंग मी बेटर अभी आज, पहले पता नहीं बहुत अजीब सा ही लग रहा था. एनी विच वे आई होप यू गाइज आर इंजॉइंग दुर्गा पूजा 2 और आई विल सी यू गाइज एट द पंडाल. तुम्हें कुछ बोलना है? हैप्पी दुर्गा अष्टमी टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय. आई विल सी यू गाइज अराउंड, ठीक है. पंडाल हमें मिली नहीं ढूंढकर जिसमें हम लास्ट ईयर गए थे, बहुत ज़्यादा ढूंढा बट इट वॉज नॉट देयर, कुडंट फाइंड इट. सो हम एक नई पंडाल में आग पहुँचे जहाँ पे माँ दुर्गा वॉज लुकिंग स्टनिंग. वहाँ पे पेस्टल कलर्स के बैकड्रॉप्स थे जो कि बहुत अच्छा लग रहा था. ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि वी रीच देयर क्वाइट अर्ली एंड दुर्गा पूजा मीन्स सब लोग रात को निकलते हैं. तो हम वहाँ थोड़ी देर बैठ गए, हमने थोड़ी सी दर्शन की और थोड़ा सा स्नैक्स मिल रहा था तो वो तो खाना बनता ही है. तो यहाँ पे मैंने खाया वेजिटेबल चॉप. धीरे धीरे ग्रेजुअली पीपल वर लाइक कमिंग इन, हमने थोड़ी सी वो इन्जॉय करी और फिर साड़ी पहन के आप सबको पता है कि मैं कितनी बुरी तरह से फ्रीज हो जाती हूँ. तो फिर मैंने अरिंदम को कहा कि घर के लिए निकलते हैं. घर पहुँचते ही आई सॉ कि यहाँ पे आरती शुरू होने वाली है नवरात्रि की, तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिया गया था. सो वी थॉट कि यहाँ पे भी आरती हम कर लेते हैं. ये पहली बार है जब मैं नीचे निकली, नवरात्रि के 9 दिनों में मैं नीचे आई ही नहीं थी. सो समहाउ It was a pure coincidence, मैं नीचे आके आरती करने लगी. सो आरती फिनिश होते ही मैंने चेंज किया और फिर मैं निकल गई. हम बहुत देर तक घूमे एंड फाइनली आई हैड सम कॉफ़ी. पता नहीं आजकल आई एम रियली एंजॉयिंग कॉफ़ी, बहुत मज़ा आता है कॉफ़ी पीने में. और फिर नवमी का दिन था एंड वी फाइनली गॉट द प्लेस दैट वी वर लुकिंग फॉर अष्टमी के दिन. और फिर हमने वहाँ पे माँ दुर्गा की दर्शन की. वी सैट देयर, वी रियली एंजॉयड क्योंकि ये वाली जगह है जहाँ पे हम लास्ट ईयर गए हुए थे. वी डोंट नो एनी वन, वी डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नैक्स भी मिलता है. सो आई हैड गुगनी, बेगुनी चॉप, आलू चॉप, बहुत सारा कुछ खाया हुआ था. और वहाँ पे ना उस दिन कल्चरल फंक्शन भी था, सो वी सैट देयर एंड वेटेड बट वो हुआ नहीं, टाइम लग रहा था. सो हम वहाँ से निकल गए एंड फिर वापस से हम CCD गए एंड वी हैड कॉफ़ी. पता नहीं
समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, आई एम क्रेविंग कैफीन अ लॉट. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा. होप यू हैड अ वंडरफुल 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 नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा. आज दशहरा का दिन है एंड टिपिकली बंगाली शुड बी ईटिंग समथिंग नॉन वेज. तो आज हम घर पे, मैंने आज दोपहर को खिचड़ी बनाई हुई थी और फूल गोभी आलू, और इसीलिए अरिंदम ने कहा कि रात को आई टेक यू टू अ चाइनीज प्लेस जहाँ पे मुझे बहुत दिनों से जाने का मन था. सो फाइनली वी आर गोइंग ओवर देयर. वहाँ पे थोड़ी सी हम डिनर करेंगे एंड देन वी गेट बैक होम. आज शाम के लिए मैं तैयार हूँ. ये वाली जो टॉप है ना, ये काफी पुरानी है. आई गॉट दिस टॉप 2 years बैक आई थिंक फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर्स. एंड ना इसकी जो ये स्लीव्स है ये काफी बैगी है, तो मैंने पहना ही हुआ नहीं था. 2 साल के उससे ज्यादा हो गया होगा, डोंट रिमेम्बर, बट ये एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू है, मैंने पहना हुआ ही नहीं था. सो फाइनली आई वो दिस वन फॉर टुनाइट एंड अरिंदम वोर समथिंग लाइक दैट. और अभी हम निकल रहे हैं. आई एम स्टैमरिंग फॉर सम रीजन. सो गाइज प्लीज कम अलॉन्ग एंड लेट्स गेट गोइंग. खाने जाएंगे, didn't get a parking spot there, बहुत ज्यादा क्राउडेड था, तो हम यहाँ आ गए. यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, डिसेंट. तो थोड़ा सा खाना बच गया था, तो देयर सम किड्स, इनको पूछा गया पहले कि आप चिकन खाते हो कि नहीं, एंड दे वर लाइक हाँ, तो फिर दे दिया, क्योंकि सूरत में बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं चिकन. और फिर पानी का बॉटल भी ले लिया हाथ से, लाइक हाँ पानी का बॉटल भी चाहिए. अभी हम जा रहे हैं, सोचा तो थोड़ी सी कॉफी पीने जाऊंगी. कॉफी इसलिए पीने का मन कर रहा था क्योंकि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, बट उसके बाद उन्होंने वो देते हैं ना फिनिशिंग में सौफ विथ शुगर कोटिंग, वो खा लिया. अब कॉफी की तलब मिट चुकी है. इट्स ऑलरेडी 9:20 तो सोच रही हूँ घर चली जाती हूँ, ऑली को खाना दे देती हूँ, ये सब कर लेती हूँ. बड़े शौक से यहाँ पे एक जगह है गोल्डन ड्रैगन करके, आई थॉट कि वहाँ पे जाएंगे चाइनीज खाएंगे. मुझे चाइनीज उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, बट वहाँ पे ना डिमसम्स एंड बाकी कुछ कुछ खाने में मज़ा आता है. बट वो बंद था, मतलब बंद नहीं था सॉरी, पार्किंग स्पॉट ही नहीं मिली. कल एक्चुअली नवरात्रि खत्म हुई है कल, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते जो नॉन वेज खाते हैं एंड देन यू नो दे डोंट ईट फॉर 9 days. फिर सभी निकलते होंगे ना एक ही दिन पे खाने के लिए. हमने सिर्फ स्टार्टर्स ही खाया, मेन कोर्स तो खाया ही नहीं. बहुत सारा स्टार्टर्स खाया, जैसे क्रिस्पी चिकन बोल के है, दैट वाज रियली अमेजिंग. आई हैड चिकन लॉलीपॉप, आई हैड चिकन दार्जिलिंग, एंड वी हैड मंचाओ सूप विथ फ्राइड नूडल्स ऑन टॉप. सूप सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्रिस्पी चिकन भी बहुत अच्छी लगी. सो अभी मैं निकलूंगी घर के लिए. दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.